पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। आज देखो सुबह सुबह 11 बजे ही हमारे किचन में ऐसा रश मचा हुआ है, हमारे घर पर आ रहे हैं मेहमान, तो सारी ये खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले कस्टर्ड, की ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। साइड पर अनीता को मसाले काटने के लिए दिए। साइड पर रमजान बना रहा है जामे शीरी वाला पानी। ये किस, ये तो मेहमानों के लिए नहीं, अभी देर है मेहमानों को, ये मेहमानों के लिए, वो जो काम करने आए हैं घर पे। काम भी और आपके लिए भी। ची इलायची कहाँ गई? अब तो मैं इतना टाइम बाद आई हूँ ना, घर में एक एक चीज ढूंढनी पड़ती है। छिलका मैंने अलग कर लिया है और सिर्फ इलायची का पाउडर इसमें मिक्स करते हैं। इलायची की खुशबू इतनी मजे की आ रही है, मैंने सोचा आज मैं ना वो दूसरा बनाना वाला ही बनाती हूँ, मुस्तफ़ा को भी बहुत पसंद है पूरे घर में। फिर तैयबा और आयत की फरमाइश थी कि मम्मा ये स्ट्रॉबेरी वाला ही बना दें। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड देखो तैयार हो गया है, तो ठंडा करने के लिए ना एक थाल ले ली, इसमें मैंने पानी डाल दिए जल्दी ठंडा होने के लिए। फिर देखो कलर कितना चेंज हो गया ना, बिल्कुल पहला पिंक था और अब थोड़ा सा ना सब पीच कलर का हो गया। तो दो चम्मच फिर मैंने बनाना वाला इसमें डाल दिया, क्योंकि बनाना वाला भी कम पड़ा था, स्ट्रॉबेरी वाला थोड़ा ज्यादा था। दोनों की पूरी होगी फरमाइश, आपके भाईजान की भी और आपकी भी। स्ट्रॉबेरी वाला ज्यादा डाला, सिर्फ दो चम्मच बनाना के डाले और फिर लेने जाते टाइम लग जाता। तो यहाँ पर सारे मसाले कट के तैयार हो गए और ये रहा चिकन, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, इसमें एक और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, दो चम्मच दही के जाएंगे, इसमें एक चम्मच नमक का जाएगा। अब इसको हाथों से जो है ना अच्छे से सारे मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें एक चम्मच चाट मसाला पाउडर जाएगा और इसके अलावा ना इसमें लेमन जूस भी डाला जाता है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और घर पे ना अभी लेमन नहीं है, मेरे हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं है। और मसाला लगा के मैंने रख दिया और यहाँ थोड़ा सा हम ऑयल लेकर ना ये सारे प्याज मैं ब्राउन कर लेती हूँ। तकरीबन हमारे पास एक घंटा और जल्दी जल्दी काम स्पीड से जाना हमने करना है। अभी मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ, चिकन को मसाले मसाले लगा के रख दी। मैक्रोनी का भी यहाँ पर सारा मसाला देखो बन गया बिल्कुल बारीक, प्याज चॉप हो गई, टमाटर, हरी मिर्ची और रमजान की ये ड्यूटी है प्याज और इसके साथ काजू बादाम, ये टमाटर तो अलग से करना है। और अनीता को ये वाला काम दे रही हूँ, ये मुझे पीस के दे दो बस, थोड़ा सा भून जाए। रूनी का मसाला हो गया तैयार, अभी 5 मिनट इसको लगेंगे, एंड में सॉस सारे इसमें ऐड करेंगे। और कस्टर्ड यहाँ पर कब से रखा है, अभी कस्टर्ड भी हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया। कस्टर्ड के लिए ये मैं बॉल लेकर आई हूँ बड़ा सा, और इसके लिए हमने अलग से मैंगो वाली क्रीम भी बना ली है। आए सबको सलाम करो, टेस्ट नहीं करना अभी गर्म है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर देखो हमारी मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया, इस साइड पर मैक्रोनी का मसाला तैयार हो गया। और अब बनाते हैं हम अपना मुगलाई चिकन। मुगलाई चिकन के लिए 1 kg मैंने यहाँ पर चिकन लिया और उसके साथ देखो ये सारे मसाले ग्राइंड होंगे। खोपरा मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिए, काजू लिए, बादाम लिए, 7-8 दाने काजू के और 5-6 दाने जो है ना बादाम के, और ये भुना हुआ जीरा है जिसको हमने पीस लिए। अब ना इसमें 2 से 3 चम्मच दही और बाकी ये सारे मसाले भी ग्राइंड करके दो। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज सुबह नाश्ते के बाद फौरन से हमने खाने पीने की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, मेहमान घर पर आ रहे थे और मैंने ये सोचा कि उनके आने से पहले सारा कुछ तैयार कर दूंगी। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, मेहमान भी बस आते हैं, मिलवाते हैं कौन मेहमान आए हैं। और अरे अस्सलाम वालेकुम, आ गए? वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो, पहुंच गए? वो तुम्हारा दोस्त अभी तक नहीं उठा, जाओ ऊपर चढ़ के उसको जगाओ। मुस्तफा, मुस्तफा देखो कौन आया। चलो भागो नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गए आखिर। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है भाई, आप सुनाओ कैसी हो? ठीक हो? हम ठीक है। तो सुना, बुरा हाल हो गया है, गाड़ी खराब हो गई थी, 4 घंटे हम लोग धूप पे खड़े हुए हैं, धूप में कोई जगह नहीं थी। छोटा भी, छोटा तो हम कपड़े उतार। कैसी हो? ठीक हो? चलो मिलते हैं बाद में, इसको संभालो। ये किसकी तरह लग रहा है माशाल्लाह? हमजा। हमजा की तरह कहते हो, छोटा हमजा। ये बैठा हुआ है मीर, हम याद है या भूल गए? और देखो जैसे हमारे मेहमान आए ना, हमारा कारपेट भी नीचे नहीं बिछा था, कारपेट पूरा क्या हो गया रमजान खींच रही। निकालो निकालो,
और नीचे जो है ना हम अपना दस्तरखान लगाए। काफी देर से वहां से निकले, बीच में इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मेरे हस्बैंड इनको लेने के लिए गए थे, तो सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है। और इस कारपेट के साथ क्या हुआ है कि एसी का जो पानी है ना बार बार खराब कर रहा है, जान छुड़ा ली, हो गया ना वो काम पाइप, हो गया, ये पूरा गीला हो गया था एसी के पानी से। देखो इसके काम देखो, बस रमजान में मेहमान चले जाएंगे तुम्हारे करने के चक्कर में। तो अभी मैं आपको अपने खाने दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले देखो चूल्हा मैंने खोल दिया, क्योंकि एक दो घंटा मैंने पहले ये सालन तैयार कर लिया था, और अब ये है कि थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं। कि ये रही मैक्रोनी, मैक्रोनी भी यहाँ पर तैयार है कि, और इसके अलावा ये रहा कस्टर्ड, देखो नीचे पिंक और ऊपर येलो, और कस्टर्ड भी हमारा फुल ठंडा हो गया है, तो इनको मैं एंड में दूंगी। क्रीम और मैंगो दोनों को ग्राइंड करके हमने क्रीम बना ली है इसके ऊपर, इसकी जो टॉपिंग करी है वो क्रीम की करी है मैंगो की। मुगलाई चिकन रेडी है, साथ में पास्ता तैयार है, और कस्टर्ड गेट फुल ठंडा हो गया है। भाई वाह, सुबह सुबह पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया। ये तो अच्छा काम किया है, जैसे सुबह नाश्ता किया था ना, मुझे भी घंटा डेढ़ घंटा लग गया तकरीबन वापसी आते आते। हाँ, तो मुझे ये था कि बस उसमें ना मैं सारा कुछ तैयार कर लूंगी, बस अभी गर्म करने लगी हूँ, सारा कुछ तैयार है। दस्तरखान लगा दिया? दस्तरखान ये अभी मुझे पूछने आए हैं कि खाना शायद अभी हम बना रहे हैं। हमने कब से बना लिया, तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो गया ना, 12 बजे से हमने खाना रेडी करके रखा। और आज तो बहुत तेज हो गया। हाँ, जल्दी जल्दी ना, आज मैं दस्तरखान लगा दिया। मैंने तो नहीं बोला, अभी तो तुम कह रही दस्तरखान लगाओ ना, खाने आ रहे हैं, दस्तरखान लगा दिया है, दफ्तर लगाओ जल्दी, दस्तरखान लग गया, बस मेरे खाने भी अभी आ रहे हैं। खुशबू तो बाहर तक आ रही है, मेहनत से, दिल से, प्यार से बनाया। वैसे भी आप जो भी खाना बनाती हैं मेहनत से बहुत अच्छा बनाती हैं, और एक एक चीज को अच्छे तरीके से बनाती हैं। मुझे पता नहीं था अभी क्या कह रही थी, क्या क्या रमजान वो उसमें पार्क में गई हूँ तो वहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिले, कहते सितारा खाने तो बड़े अच्छे बनाती है। मैंने कहा मेरे खानों के ब्लॉग शायद देखती है, तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेहमानों से पहले ही खाने बैठी है। वही दस्तरखान पे बैठना ना, टेस्ट करके बताओ अच्छा बना है, मजे का बना ना, लग रहा है जैसे बहरी जहाज ना हो, बहरी बेड़ा है। हाँ, तैयार हो गई कश्ती, तैयार हो गई है। बॉल तो मैंने फुल कर लिए, अभी इस मस्टर्ड का तो हो रहा है ना, कस्टर्ड का तो हो रहा है, इसमें सालन का है, दोनों बॉल ये पकड़ो। नहीं मैं इसको क्या बोल रहा है, इसने कहा बॉइल लेकर आओ, कि ना इसमें वो रखो फ्रूट्स रखो अच्छा लगेगा, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है मैंगो की, जो ये भी रख गया। चाचू ठीक है, तबीयत ठीक है, खैर से सफर गुजरा सही से, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आए हमने गर्मा गर्म आपके लिए खाना वाना सब तैयार किया है, आए बैठे, शुक्रिया कि जो इस टाइम हमें कुछ भी मिलता तो हम खाने को तैयार थे। हाँ नहीं, वो जब गाड़ी खराब हो जाए ना, वो समझ सकते बहुत बुरा हाल हुआ, 2-3 घंटे वहाँ खड़े रहे जंगल में, कहीं पानी नहीं है। हाँ, ऐसी जगह पे खराब हुआ जहाँ पर आसपास ना कोई दुकान ना कोई दरख्त कुछ भी नहीं, दरख्त भी नहीं थे, मजे सोते। हाँ नहीं नहीं, आराम करो, बस थोड़ा बहुत खा लो ना, फिर आराम। चलो मीरा आइए, तो आज खाना खा लो, आज बाजार दोबारा से मैंने वही मुगलाई चिकन नहीं, इनको पता नहीं, हाँ वो हम सब बीमार हो गए उसके बाद, कुछ दिन सारे बदले हुए, मुझे कुछ नहीं होता। खाना हम सब ने खा लिया, और अभी आ गई है गर्मा गर्म हमारे घर की स्पेशल चाय। आ जाओ बाबर भाई, चाय पियो, अपना अपना कप उठाओ, यहाँ पर आए। ये तो लगता है गोल्ड का है। हाँ, गोल्ड के। खाना सही बना हुआ था? खाना तो माशा से बहुत अच्छा बना हुआ था। समेरा को पसंद आया खाना? बहुत अच्छा था, मजेदार, जब चाचू कह रहे थे ना यकीन भी हो रहा था। हाँ, ये खाने मैंने इस्लामाबाद आकर सीखे हैं। चाचू कह रहे शेफ रखा हुआ, चाचू को लगा खान सामा है शायद घर पे वही बना रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने मेहमानों को खाना वाना खिला दिया, और इतना ज्यादा सब थके हुए थे कि अभी उनको नीचे अम्मी वाला रूम दिया, सब रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जैसा कि कल आप सबको पता है कि 14 अगस्त आजादी का जश्न, आजादी का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस आजादी मुबारक हो। तो चलो उसके लिए जो है ना हमें टाइम ही नहीं मिला, वरना पता क्या होता है कि हमेशा हम जल्दी ही इसकी तैयारी कर लेते हैं, जश्न आजादी की कपड़े वपड़े फ्लैग हर एक चीज सब ले लेते हैं, हर साल ऐसा ही होता है कि पहले ही ले लेते हैं। इस दफा क्या था, हमारा ट्रिप था बाहर का, वहां से आते आते इतना ज्यादा थकावट चीजें संभालने में, कल 14 अगस्त है कोई तैयारी नहीं है। उसके लिए देखो पिछले साल का हमारे पास ये फ्लैग पड़ा था, और अभी अभी इसको इस्त्री करा है पूरा। अब क्या करना है, हमने ये प्यारा सा फ्लैग जो है ना ये यहाँ पर लगाना है, 2-4 दिन वैसे पहले लगा लेते ज्यादा अच्छा था, टाइम ही नहीं मिल पाया। और ये पिछले साल का, जब हम वहां कराची में थे ना,
डिफेंस में, तब हमने लगाया भी था और उसके बाद फिर इसको पैक करके रख दिया था जैसे वहां से सामान वामान लेकर आए थे। तभी दोबारा से इसको इस्त्री कराए और अब बस वो डंडी चाहिए इसमें लगाना है और यहाँ पर हम अपनी बैल्कनी में सोच रहे हैं यहाँ लगा देते हैं। सोच रही हूँ कि हम ना अपनी इस बैल्कनी में लगा देते हैं यहाँ पर इस कोने में या फिर इस कोने में, यहाँ अध क्या लगाऊं, कहती यहाँ अध आधे में यहाँ अध में लगाए हाँ बीच में कहती लगाओ। अरे चमेली के फूल तो देखो कैसा निकल रहे हैं, ये देखो चमेली के फूल इतने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं ना। अभी देखो हमारी बालकनी कैसे हरी भरी और प्यारी लग रही है ना जब से ये कारपेट हटा है, और सबके कमेंट भी आ रहे थे कि अब कारपेट मत लगाएगा ऐसे अच्छा लग रहा है। ये कब लाए डंडा, पहले तो नहीं था, आज शायद गए थे, हाँ सुबह गए थे ना। तो ये डंडा कब लेकर आयो, दोपहर को लायो। जान 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 पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान के, पकड़ो जरा हम लहरा दी, पकड़ो वहां से, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, हमारे मुल्क की शान, हमारे मुल्क की जान, और हम जिस टाइम भी चाहे इसे लहरा सकते, हाँ जिस टाइम भी। चलो हमारे मेहमान सो रहे और बोले उठे कि सुबह हो गया, 14 अगस्त आ गया है। और हाँ, और आप लोग भी जिसका भी जिस जिस मुल्क का फ्लैग है आप भी ऐसा जान से भी ज्यादा उसे प्यार किया करें, गुजर जाएगा। हाँ रस्सी बस तुम काट लो और मैं जब तक ये फ्लैग लेकर जाती, ये बहुत ज्यादा बड़ा डंडा लेकर आ गए हो ताकि किसी को नजर तो आए। ये हमारा फ्लैग देखो सबसे बड़ा यहाँ पर बोले मोहल्ले वाले क्या मैं दिखा रही हूँ कि हमारा फ्लैग सबसे बड़ा है, ऐसा मत कहो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब भी लगाए, हाँ उसके घर में खुद तो लगा हुआ है। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। देखो डंडी पकड़ते हुए हाथ कैसे लाल हो गए, ये देखो अनिता तुम अपने हाथ दिखाओ, हमने तो आज ही अपने हाथ लाल कर लिए। फाइनली रमजान ने लगा तो लिए, अभी हवा चल रही है और देखो लहरा रहा है, लहरा रहा है देखो माशाल्लाह, और माशाल्लाह देखो हवा तेज चल पड़ी है तो हमारा झंडा लहरा रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। आज हमारे गार्डन में इतना खूबसूरत येलो कलर का फ्लावर खिला है और वो भी एकदम फ्रेश, इतना प्यारा येलो लग रहा है ना। आज जान छूट गई ना, एसी का पाइप कहाँ से निकाला है, हाँ वो रहा वो देखो, ये देखो एसी का पाइप ना हमने बाहर ना आज ड्रिल मशीन से होल करा के आज एसी का पाइप बाहर निकलवा दिया, अब देखो पानी इधर लगता रहेगा। अभी हम निकले के छोटे फ्लैग भी ले आए कि कल जो है ना बच्चों को ये सब कुछ ना एक माहौल बनाना पड़ता है घर में बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ, ताकि पता चले आज हमारा आजादी का दिन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क आजाद हुआ था, हमारा मुल्क बना था, तो कितना प्यारा सजाया हुआ है ना। चलो बाहर पाकिस्तान की रौनक ही तो देखे, 14 अगस्त के लिए तो हर जगह पर रौनक ही रौनक है, पर रश कितना ज्यादा है ना, रश देखो। जिंदाबाद, कितना अच्छा लग रहा है ना पाकिस्तान की रौनक देख के यहाँ पे, है ना मशीन बड़ा लगा हुआ, देखो जैसे चांद रात पे यहाँ पर चूड़ियों की और इस चीज की रौनक होती है ना चांद रात पे, तेरी खड़ी कर लेना यहाँ से देखते हैं। ये वाला देखो सबसे बड़ा फ्लैग, ये वाला, ये निकलो ना, ये शर्ट्स भी लगी हुई है सामने, यहाँ से शर्ट भी देख लेते हैं, क्यों नहीं खुल रहा गाड़ी, क्यों नहीं खुल रही, चलो जल्दी चलते हैं। आज तो वैसा ही बिल्कुल बाहर ऐसा रौनक लगी जैसे चांद रात पे नहीं होती, 14 अगस्त की रात को भी निकला करे ना, माहौल देखे इतना अच्छा लगता है यहाँ। ये बाजा ले लो, बाजा बस बड़ी शर्ट लगी हुई है, शर्ट मुस्तफा के लिए, मोहल्ले में पहले कम शोर है इसी बाजे की वजह से, बस इतना ज्यादा इसकी आवाज है, 650 का मिल रहा है ये बाजा, ये ठीक लग रही है, हाँ रोमन लग रहे हो। एक देखो ये मिल रहा है, ए आयत तैयबा का साइज, या मैं इसमें देख लेती हूँ, इसके अलावा या फिर इस तरह की शर्ट्स हैं, मुस्तफा का मिल रहा है ना, तैयबा का मिल रहा है, इसमें मेरे ख्याल से तैयबा आयत दोनों का मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जो है ना हमें साइज नहीं मिले, तो अब हम जो है ना यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कपड़े थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं वायत का सबका, ये कितना प्यारा, आई लव पाकिस्तान, ये बहुत प्यारी लग रही है शर्ट, कौन सी ले रहे हो, हाँ वाइट अच्छी लग रही है, वाइट ज्यादा अच्छी है, ये आपके लिए वाला साइज है, कौन सा, मेरे पास वैसे है तो सिर्फ ग्रीन शर्ट, लेकिन ये ग्रीन नहीं ना, वाइट पहनेंगे कल, इसमें ये भी सही है, नहीं
ये बड़ा नहीं मुस्तफा के लिए सही है, नहीं छोटा, छोटे छोटे हेयर बैंड भी हैं, ग्रीन वाले, व्हाइट वाले, वाले लहराने के लिए अच्छे हैं। लहराने के लिए इसी साइज के सारे लिए। और ये देखो इब्राहिम के लिए कैसा है, ये तो प्यारा है, है ना? छोटे बच्चों के कितने प्यारे मिल रहे हैं। ये देखें अब वही लड़का यही उठा के ले गया, 24 साइज नहीं है इससे छोटा। नहीं ये डिजाइन बोल रही हूँ आज के लिए। कौन सा? ये वाली, ये वाली दोनों अच्छी लग रही है। ज्यादा कौन सी? ये शर्ट्स देखो हमने सबकी ले ली है, और इस साइड पर बाकी काफी सारे बैंड, और देखो ग्लासेस, चांद तारे वाली ग्लासेस वाला देखो इतना अच्छा लग रहा है ना, ये वाला इतना प्यारा मास्क बना हुआ है, ये वाला मास्क लगा कर ऐसा लग रहा है। क्या क्या चीजें आई हैं ना, एक तैयबा के लिए और एक आयत के लिए, दोनों ले लेते हैं ना। सही है ये वाला, ये सही है वो सही, वो सही है, वो सही है। ऐसे दो और दे ले, और छोटी छोटी झंडियां, छोटी छोटी झंडियां भी है ये देखें। हाँ बच्चों के लिए वो सारा ले लेते जो बच्चे पकड़ेंगे, और हमारे लिए बड़ों। यहाँ पर तो देखो जहाँ पे भी जाओ ना हर एक जगह पर 14 अगस्त की ऐसी रौनक लगी हुई है। और ये फ्लैग देखो सबसे बड़े साइज का फ्लैग है, ये बहुत बड़ा है। माशाल्लाह इतना ज्यादा यहाँ पर रश है, और हमने तो सारी शॉपिंग कर ली बच्चों के लिए, शुक्र है। मैंने सोचा कल ना पता नहीं क्या होगा ऐसे ही घर पे हम आजादी मनाएंगे, लेकिन यह है कि बच्चों के लिए सबके लिए कपड़े मिल गए हैं। ये वाली साड़ी देखो मुझे दूर से इतनी ज्यादा को ये प्यारी लग रही थी ना, दूर से इसकी शाइनिंग और इसका काम देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे यहाँ पर और भी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगी हुई है, ये सबसे आगे जो लगाई हुई है ज्यादा प्यारी लग रही है, अच्छी खासी यहाँ पे वैसे प्यारी एक रौनक लगी हुई है 14 अगस्त की। जाग गया मेरा बेटा? हाँ, और रात आपने क्या किया मुस्तफा, रात क्या किया? यहाँ पर एसी ऑन था और वो पाइप से सारा पानी, ये पूरा कारपेट गीला था, पूरा कारपेट ये सुबह सुबह उठा के हमने सुखाया इसको, मेहमान आने वाले थे, कारपेट ही नहीं था। तब मम्मा ने कैसा खाना बनाया? अच्छा बना हुआ है।